आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या में जल्द होगा एयरपोर्ट का शिलान्यास, जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। जमीन अधिग्रहण के साथ ही रजिस्ट्री का भी होगा काम, नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। अयोध्या में जल्द होगा एयरपोर्ट का शिलान्यास, जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। जमीन अधिग्रहण के साथ ही रजिस्ट्री का काम पूरा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। जल्द होगा अयोध्या एयरपोर्ट का शिलान्यास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा जल्द। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। जमीन अधिग्रहण के साथ ही रजिस्ट्री का काम भी पूरा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। अयोध्या में जल्द होगा एयरपोर्ट का शिलान्यास, जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ काम अभी तक पूरा हो चुका है और कब हो सकता है शिलान्यास? जी बिल्कुल, जिस तरीके बता दिया जाए कि सीएम योगी जो है वो जल्द और शिलान्यास करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी आमंत्रित किए जाएंगे। और जो ये इंटरनेशनल श्रीराम एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, उसको उसका काम जो है वो लगातार पूरा हो गया है। और आपको बता दें कि जिस जगह पे कुछ बैनामा होना था, रजिस्ट्री होनी थी, रजिस्ट्री का काम भी चालू हो गया। और कुछ जमीनें ऐसी थी कि जिनका बैनामा होना था उसको भी पूर्णतया पूर्ण कर लिया गया है। जी सिखा जी, तो आगे क्या कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, अब काम कहाँ पहुंचेगा? बिल्कुल, देखा जा रहा है तो सरकारी महकमा जो है रेवेन्यू विभाग का, इस पे जो है लगातार काम कर रहा है। रजिस्ट्री हो रही है और जो किसानों की जमीनें थी उनका मुआवजा दे दिया जा रहा है, उनको चेक दिया गया है। और बाकायदे पूर्णतया जिला अधिकारी के उसमें नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। तो अयोध्या में जल्द शिलान्यास करने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कब तक शिलान्यास हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके अगर देखा जा रहा है शिलान्यास के बारे में, तो अभी एक बयान आया है नंद कुमार गुप्ता का, कि जो कि बहुत जल्द ही पीएम मोदी और सीएम योगी जो है वो जल्द से जल्द इसका जो है शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चंदौली दौरा, केंद्रीय विद्यालय में बने भव्य उद्घाटन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के साथ डॉक्टर महेंद्र पांडे भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चंदौली दौरा, केंद्रीय विद्यालय में बने धर्मेंद्र प्रधान के साथ डॉक्टर महेंद्र पांडे भी मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चंदौली दौरा, केंद्रीय विद्यालय का करेंगे उद्घाटन। धर्मेंद्र प्रधान के साथ डॉक्टर महेंद्र पांडे भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। केंद्रीय विद्यालय में बने केंद्रीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस उद्घाटन से संबंधित? हम आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे और वही मतलब कि विद्यालय के ठीक वही बगल में एक लॉन है, वही में संबोधित भी करेंगे। सांसद भी वहां पर उपस्थित रहेंगे, विधायक जितने पदाधिकारी गण है सबका उपस्थिति वहां पर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे अजीत। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर का दौरा। सैयद राजा में होगा राम अचल राजभर का दौरा, रामलीला मैदान में जनता को करेंगे संबोधित। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है,
पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर का दौरा। सैयद राजा में होगा राम अचल राजभर का दौरा, रामलीला मैदान में जनता को करेंगे संबोधन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व विधायक कालीचरण राजभर बीजेपी में शामिल। मदन राजभर सुभाषपा छोड़कर बीजेपी में शामिल। सुहेल देव के वंशज गोलू राजभर बीजेपी में शामिल। ज्ञान राजभर, बब्बन राजभर भी शामिल। प्रकाश राजभर, राजेश भी बीजेपी में शामिल। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व विधायक कालीचरण राजभर बीजेपी में शामिल। मदन राजभर सुभाषपा छोड़कर बीजेपी में शामिल। सुहेल देव के वंशज गोलू राजभर बीजेपी में शामिल। ज्ञान राजभर, बब्बन राजभर, सुशील राजभर बीजेपी में शामिल। प्रकाश राजभर, राजेश राजभर भी बीजेपी में शामिल। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक कालीचरण राजभर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई राजभर बीजेपी में शामिल हुए, मदन राजभर सुभाषपा छोड़कर बीजेपी में शामिल। सुहेल देव के वंशज गोलू राजभर भी बीजेपी में शामिल। राजभर, ज्ञान राजभर, बब्बन राजभर, सुशील राजभर भी बीजेपी में शामिल। प्रकाश राजभर, राजेश राजभर भी बीजेपी में शामिल। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पूर्व विधायक कालीचरण राजभर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से राजभर समाज के और राजभर परिवार के कई लोग शामिल हुए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरह चुनाव आ गया है और लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये जो दल बदलने की परंपरा है शुरू से रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अगर हम कालीचरण राजभर की बात करें, तो ये आपका गाजीपुर के बहुत यानी अच्छे को कद्दावर नेता माने जाते हैं, पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, और ये वहाँ की जहूराबाद सीट से दो बार विधायक भी रहे हैं। और अभी हाल में ही इन्होंने बसपा से आपका त्यागपत्र दे दिया था, और उसके बाद माना जा रहा था कि ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सपा में भी शामिल होंगे। हालांकि सपा में शामिल भी हो गए तो उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये अब दल बदल सकते हैं, और फिर उम्मीद की जा सकती है, और ये हुआ भी। और इनके द्वारा आज जो है बीजेपी पार्टी में इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। इसके अलावा कई और बड़े चेहरे भी, गौरव, सुभाषपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इससे सुभाषपा को कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं बता दूं कि पहले चूंकि स्थिति ये थी कि लगातार इनका ये कहना था कि हम राजभर समाज के लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता के मानो कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब वो बसपा में थे, बसपा छोड़कर वो यानी समाजवादी पार्टी में आए थे, समाजवादी पार्टी से वो लगभग दो बार विधायक भी रहे हैं जहूराबाद से। उसके बाद 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें नंबर दो पर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा गया था कि वो सुभाषपा ज्वाइन करेंगे। सुभाषपा ज्वाइन करने के बाद आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और उनके साथ साथ बड़े बड़े नेता जो भी है राजभर समाज के, बब्बन राजभर हो गया और अनिल राजभर हो गया, तमाम जो राजभर नेता है वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे रहे हैं। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है जो कि चुनाव प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में आज जो है सदस्यता ग्रहण की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम होगा। राजभर समाज के कई नेताओं ने ली सदस्यता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में हुई ज्वाइनिंग। मंत्री ब्रिजेश पाठक, अनिल राजभर भी रहे मौजूद। यूपी बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुआ लखनऊ में। राजभर समाज के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई। मंत्री ब्रिजेश पाठक, अनिल राजभर भी रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जहां पर राजभर समाज के नेताओं ने ली सदस्यता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में हुई ज्वाइनिंग। तो राजभर समाज के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।